हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ही जबरदस्त सा बटाटा बड़ा बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो बटाटा बड़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये लिए हैं आलू। ये चार आलू को मैंने बॉईल करके छील के रखा हुआ है। दो मैंने ये ब्रेड ली है डबल रोटी, और ये मैंने आधा कप तकरीबन बेसन लिया है, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है। ये कुछ धनिया लिया है, धनिया आजकल इतना फ्रेश बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधा चम्मच मैंने भुना कुटा हुआ धनिया लिया है। दो हरी मिर्चों को मैंने इस तरह बारीक सा चॉप कर लिया है। आधा लेमन है, आधा मैंने चटनी में डाला था तो आधा मैं इसमें ऐड करूँगी। आधा चम्मच मैंने लिया है काली मिर्ची ब्लैक पेपर, और आधा चम्मच मैंने ली है कुटी हुई मिर्ची। और ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है इसमें यूज़ करूँगी, और ये केचप है, और ये कुछ इस तरह के ये देखें मैंने लिए हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, 5 रुपए का पैकेट मिलता है। ये इस तरह का होता है, ये ऊपर हम लगाएंगे प्रेजेंटेशन में, और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है, बच्चों को इससे और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आलू लिए हैं बॉईल किए हुए हैं, इनको मैं मैश कर लूँगी। तो इसमें थोड़े से चंक्स रहने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा ही मैश करें। तो इस तरह मैंने इसको मैश कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारे आलू जो हैं वो मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें सारी चीज़ों को ऐड कर दूँगी। ये हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी। आपके अगर बच्चे नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये ड्राई स्पाइसेस, बहुत ही कम मसाले मैंने ऐड किए हैं, और ये धनिया है, ये भी आप अपने हिसाब से जितना चाहें डाल सकते हैं। और ये हाफ लेमन मैं यूज़ करूँगी, इससे थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा और फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। अब हाथों की मदद से मैं इनको सबको मिक्स कर लूँगी। अभी ये मैंने तैयार कर लिया है आलू को। अब बेसन है, इसमें मैं डालूँगी कुछ स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून मैं सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, इससे कलर अच्छा सा आ जाएगा। 1/2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली ऐड करूँगी। ये 1/4 टीस्पून फ्रेश मैंने ब्लैक पेपर को ऐड किया है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छा सा, और इसको हम घोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। हमें एक लम्स फ्री ये बैटर तैयार करना है। ये देखें मैंने ये इसको अच्छे तरीके से बैटर तैयार कर लिया है। और ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये देखें अब इसमें थोड़ा सा मैं धनिया ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम इसको साइड पे रख देंगे और इसके हम बड़े तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा सा पानी हाथों पे लगा के फिर हम इसके बॉल तैयार कर लेंगे इस तरह। ये देखिए आप अपनी पसंद से जितना बड़ा चाहें
बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे बड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अभी ये मैंने फ्राई के लिए कढ़ाई रख दी है, ऑयल ऐड करती है। ये ऑयल हमने रख दिया है, अब ये जब गर्म होगा फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अभी हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, थोड़े से टेढ़े हो गए थे, मैं दोबारा इसको कर रही हूँ। इसको हमने इसमें डालना है। ये मैंने इसको कोट कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल में। इसी तरह मैं बाकी भी कर लूँगी। इसको अच्छी तरह हम पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये अभी एक साइड इसकी हो चुकी है, अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ हमने करना है, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं वो टूटे ना। तो ये देखिए, ये हमारा जो बड़ा है बनके रेडी हो गया है। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसी तरह बाकी के भी निकाल लेंगे। अभी ये बाकी के जो रह गए हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। वो वाले मैंने निकाल लिए हैं, तो इसको हम ये अरहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, कह रहा है कि मुझे जो है बर्गर खाना है। ये दूसरे वाले भी दोनों तैयार हो गए हैं, मैंने साइड चेंज कर दी है। ये भी तैयार हो गए हैं, इनको मैं निकाल दूँगी। ये देखें हमारे सारे बड़े जो हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डबल रोटी के साथ प्रेजेंट करेंगे, तो हमारा जो है वो बन बन जाएगा। तो ये अभी हमने लिए हैं बन, और ये हम इसमें यूज़ करेंगे चटनी। इसको हम यहाँ से काटेंगे। कोशिश करनी है कि पूरा ना कटे बन, ये देखिए इस तरह। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चटनी को। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी बनी है, ये देखें। इस तरह हम इसमें चटनी लगाएंगे, आपको जितनी पसंद है उतनी आप लगा सकते हैं। इस तरह, और इस वाले हिस्से में हम इसमें लगाएंगे केचप। ये हमने केचप लगा लिया, इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा, ताकि ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा क्रंची हो जाए बन। और इसके साथ हम इस पे रखेंगे ये हमारा बड़ा जो हमने तैयार किया है, और इसको हम इस तरह देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बड़ा बन के तैयार हो गया है। अब हम इस पे ये जो है इस पे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी केचप, और इसके ऊपर हम ये जो हमने सेवियां ली हैं बच्चों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, इसके ऊपर हम चिपका देंगे। हम इसके ऊपर लगा लेंगे और इससे ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। देखिए, तो ये हमारा बन जो है बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको बीच में से काट के, क्योंकि हमारा बन जो है वो थोड़ा बड़ा था, तो बीच में से हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा बटाटा बड़ा बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।